टोमेटो सॉस बिना प्रिजर्वेटिव के घर पर आसानी से तैयार हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वासनेरा। दोस्तों आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हमारा देश बहुत ही नाजुक स्थिति से गुजर रहा है, तो आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ टोमेटो सॉस। दोस्तों हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ है और सारे स्टोर्स बंद हैं, तो क्यों ना हम घर पर ही टोमेटो सॉस तैयार करें। इससे पहले भी मैंने ग्रीन चिली सॉस तैयार किया था, जो आप सभी ने बहुत पसंद किया था। मेरे एक व्यूअर ने डिमांड की है कि टोमेटो सॉस की रेसिपी शेयर कीजिए, तो आज मैं टोमेटो सॉस बनाने जा रही हूँ। अभी टमाटर अच्छे और बहुत सस्ते भी मिल रहे हैं। टोमेटो सॉस की जरूरत तो पड़ती ही है घर में, हर बच्चे टोमेटो सॉस के दीवाने होते हैं। अगर आप घर में तैयार करते हैं तो ये हेल्दी भी होगा, साथ ही आपको संतुष्टि भी होगी कि आपने इसे घर पर तैयार कर लिया है। तो फिर देर किस बात की, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। टोमेटो सॉस बनाने के लिए हमें बड़े और लाल टमाटर लेना है। इस पार्ट को हमें काट कर हटा देना है। अब हम टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब गैस ऑन करके सारे टमाटर को कढ़ाई में डाल दूंगी। कुछ कलियां लहसुन की, आप चाहें तो एक प्याज भी डाल सकते हैं। 4-5 टुकड़े अदरक के, 4-5 गोल मिर्च, 2 लौंग, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के। ये मैं फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। अब हम इन सबको अच्छी तरह से चला लेंगे और इसे ढककर पका लेंगे। टमाटर आधे पक चुके हैं, अब मैं इसमें 4 सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे थोड़ी देर ढककर और पका लेंगे। अब सारे टमाटर गल चुके हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की। अब हम इसको ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे। दोस्तों अब टमाटर ठंडे हो चुके हैं, अब इसको ग्राइंडर जार में डालकर हम इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। दोस्तों ये हमने पीस लिया है और इसी बर्तन में हम फिर से छान लेंगे इसको। आगे की प्रोसेस हम इसी कढ़ाई में करने वाले हैं। ये मैंने सारे टमाटर को छान लिया है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे बीज और छिलके बच गए हैं, तो इनको हम फेंक देंगे। गैस की फ्लेम को हम ऑन कर देते हैं और इसको फिर से हम पकाना शुरू करते हैं। अब मैं इसमें डाल दी हूँ 2 चम्मच नमक, 1 बाउल से थोड़ा कम चीनी, 3-4 चम्मच के करीब सिरका। इन सबको हम अच्छी तरह से मिलाकर पका लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इसे मैं सिर्फ कलर के लिए डाल रही हूँ, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। ये देखिए दोस्तों, बनकर तैयार हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं, ठंडा होने पर ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। अब सॉस ठंडा हो चुका है। सॉस को हमेशा कांच की बोतल में ही रखें और बोतल बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। जब आप इसे खाएंगे तो स्वाद में कोई फर्क नहीं पता चलेगा। ये देखिए दोस्तों, 1 किलो टमाटर में मेरे 2 बोतल भर गए हैं, 1 बॉल भी भर गया है और ये थोड़े से मग में बचे हुए हैं। आप इसे फ्रीज में 3 से 3.5 महीना स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आप सॉस को यूज करें, सूखे चम्मच से ही यूज करें, नहीं तो आपके सॉस खराब हो जाएंगे। अब आज का टिप, टमाटर एक ऐसी सब्जी है जिसे आप कच्चा भी खा सकते हैं। टमाटर में कई प्रकार के विटामिन और पोषक तत्व पाए जाते हैं। टमाटर में एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं, तो इसे अपने डाइट में जरूर शामिल करें, ये बहुत फायदेमंद होता है। दोस्तों टमाटो सॉस बनाकर मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपकी टमाटो सॉस कैसी बनी और आपको स्वाद में कोई फर्क पता चला या नहीं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।